हेलो फ्रेंड्स, सारिकास वेज किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दमालू एक ऐसी सब्जी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है। नॉर्मली जब हम दमालू बनाते हैं तो आलू को फ्राई करके बनाते हैं, बट आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ दमालू की, जिसमें आलू को हम फ्राई किए बिना ही बनाएंगे। और आज इस सब्जी को बनाने के लिए ना ही मैंने प्याज का यूज़ किया है और ना ही लहसुन का और ना ही काजू के पेस्ट का। फिर भी सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 500 ग्राम आलू लिया है, छोटा वाला। देखिए, अगर आपके पास इतना छोटा आलू ना हो तो आप बड़ा आलू ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए। मैंने इस आलू को ऑलरेडी बॉइल कर लिया है, परंतु हमें आलू को पूरी तरीके से कुक नहीं करना है। मैंने इन आलू को कुकर में सिर्फ एक ही वेसल लगाया है। हमें आलू को सिर्फ इतना ही कुक करना है, पूरी तरीके से कुक नहीं करना है। इनके अलावा मैंने लिए हैं 400 से 500 ग्राम टमाटर। देखिए, बिल्कुल टमाटर लेते समय ध्यान रखना है वो बिल्कुल लाल हो और हल्का सा टाइट हो। इससे जो उसकी जो प्यूरी बनेगी, ग्रेवी बनेगी, वो खाने में टेस्टी बनेगी और सब्जी में भी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। मैंने इन टमाटरों को काट लेंगे और इन्हें मिक्सी में डालकर हम पीस लेंगे। देखिए, मैंने इसको ऑलरेडी पीस लिया है। देखिए, इसकी जो प्यूरी है वो बन के तैयार है। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे और 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 तेज पत्ता लेंगे और उसको 2 टुकड़े करेंगे और उसमें इसमें हम डाल देंगे और 2 बड़ी इलायची। अब हम इन मसालों को लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। जब ये हल्के से भून जाएं, तो जो हमने टमाटर को पीस के जो प्यूरी बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे और उसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। पैन को हम कवर कर देंगे। जब 5 से 7 मिनट हो जाएं, तब हम पैन का कवर हटाएंगे और इसको चेक करेंगे। देखिए, जो हमारी जो प्यूरी है टमाटो की, ये कुक हो चुकी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच मैंने भुनी हुई सौंफ का पाउडर लिया, जिसमें मैंने सौंफ को पहले भून लिया और फिर उसको पेस्ट लिया है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो उसका सब्जी का जो कलर है वो अच्छा आएगा। अब हम इन सभी मसालों को इन प्यूरी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर इनसे हल्का सा भून लेंगे। हमें इसे भूनते समय पैन को कवर कर देंगे ताकि जो उसकी छींटे वो आसपास ना उछलें। 5 मिनट बाद हम पैन का कवर हटाएंगे और मसालों प्यूरी को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से इसमें कुक हो चुके हैं, अच्छी तरीके से भुन गए हैं। इनको भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मसाले अच्छी तरीके से नहीं भूनते तो सब्जी में जो उसका फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से नहीं आता है। अब मैंने ली है मलाई, ये फ्रेश मलाई है और ये 3/4 कप मलाई है। अगर आपके पास मलाई ना हो फ्रेश, तो आप इसकी जगह क्रीम ले लीजिए, आप उससे भी सब्जी बना सकते हैं। अब हम इसको इस प्यूरी में मिक्स कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है, हम थोड़ी थोड़ी मलाई करके डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे, उसे कॉन्टीन्यूसली चलाएंगे ताकि जो हमारी जो मलाई है वो फटे ना। और दूसरी चीज़, हमें यह भी ध्यान रखनी है कि हमारा जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल लो होना चाहिए, तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ होगा तो तेज़ गैस पे उस पर डालने पर जो मलाई फट जाती है। और ये मलाई भी है, ये रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। इसको हम बाकी भी डाल देंगे मलाई को और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है ये जो हमारी ग्रेवी है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अब हम इसे कुक कर लेंगे। इसके लिए हम इसको कवर कर देंगे। 7 मिनट बाद हम इसको हटाएंगे पैन के कवर को और उसको
चेक करेंगे। बीच में मैंने इसे ऑलरेडी 2 से 3 बार चला दिया था ताकि जो हमारी मलाई है वो फटे ना। देखिए ये तैयार हो गई है, इसको चलाना ज़रूरी होता है। अब आप देखिए हम इसमें आधा कप दूध डाल देंगे। दूध जो है रूम टेम्परेचर पे है। ये हमारी जो ग्रेवी है वो बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें जो हमारे बॉयल्ड आलू थे मैंने इनको छील लिया है, अब हम उसको इसमें डाल देंगे देखिए, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे कुक कर लेंगे ताकि जो हमारे आलू अच्छी तरीके से पक जाए। पैन को कवर कर देंगे। करीब 10 मिनट बाद हम पैन का कवर हटाएंगे। आप देख सकते हैं सब्जी ने देखिए ऑयल रिलीज कर दिया है और इसका कलर भी देखिए कितना ही अच्छा आया है। इसे हम मिक्स करेंगे। हमारे जो ये आलू हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। अगर आपके स्टेज पर आलू कुक ना हो 10 मिनट के अंदर, तो आप इसे थोड़ी देर और भी कुक कर सकते हैं। देखिए ये जो सब्जी है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे और उसको हाथ पे हल्का सा क्रश कर लेंगे देखिए, और फिर इसको इसमें डाल देंगे। इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और उनको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी दम आलू की सब्जी है वो बन के तैयार हो गई है। देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस सब्जी को बनाने के लिए आज ना मैंने प्याज का यूज़ किया है, ना ही लहसुन का और ना ही काजू के पेस्ट का, फिर भी आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी कितनी ही थिक बनी है, कितनी ही अच्छी दिख रही है। देखिए ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए आप इस सब्जी को पूरी, चपाती, पराठे किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सब्जी आपको ज़रूर पसंद आएगी। होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।